कांग्रेस पार्टी अपने जैसे जातिवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है, तो वही सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी पुनः केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने एनडीए गठबंधन को हर मामले में मजबूत बनाने में लगी है। साथ ही फिर से सत्ता में आने का दावा भी ठोक रही है। ये कह रही है कि इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लाएगा, इसका भी दावा ठोक रही है। जिनकी कथनी व करनी में कांग्रेस पार्टी की तरह ही कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये दोनों बने गठबंधन यानी कि एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है। जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का वह बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवा हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी अपने लंबे अरसे तक रहे शासनकाल के दौरान अपनी हीन व जातिवादी एवं पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर यदि देश व आम जनहित में तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से कार्य किया होता और विशेषकर कमजोर वर्गों के हित व कल्याण के मामले में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह को भी मान लिया होता, तो फिर ना तो बाबा साहब को अपने कानूनी मंत्री पद से उस समय इस्तीफा देना पड़ता तथा ना ही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ता तथा ना ही फिर कमजोर वर्गों के लोगों को मजबूरी में बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।